भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तान नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्व पाकिस्तान में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत कर चुकी थी। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना की रांची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट कर दिए थे। इसमें भारतीय नौसेना का INS खुरकी भी पानी में डूब गया था। नौसेना प्रमुख एडमिन SM नादा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बनाया गया। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बाबरू भान यादव को दी गई। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना ने हेड कमांडर पर पहला हमला किया था। एम्बिनेशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस नामंजू कर दिए गए थे। इस दौरान पाक के ऑयल ट्रक भी तबाह हो गए। भारतीय नौसेनक बड़े की कराची से 150 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया और शाम होने तक 150 किलोमीटर और पास चले जाने का आदेश दिया गया। हमला करने के बाद सुबह होने से पहले तेजी से बैंड को 150 किलोमीटर वापस आ जाने को कहा गया ताकि बेड़ा पाकिस्तान बम वर्षको की पहुंच से दूर हो जाए। हमला भी रूस की आगोश मिसाइल बोट से किया। ऑपरेशन टाइडेट के तहत पहला हमला निपटा और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। सभी बोट 4-4 मिसाइलों से लैस थी। ये थी SM News की रिपोर्ट।